हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। ये मैंने दही बड़ों को आज मैं बनाने जा रही हूँ, मीठे दही बड़े। ये मैंने दही बड़ों को फ्राई करके निकाल लिया है। इसकी फुल रेसिपी मेरे दही बड़े वाले वीडियो में पड़ी है। इसमें मैंने किशमिश ऐड करके फ्राई किया है। ये किशमिश आपको दिख रही होंगी। किशमिश ऐड करके इन दही बड़ों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैंने ले लिया है दही। ये सरस का मैंने दही लिया है, 250 ग्राम का एक है। ये तीन दही को मैं इस बाउल में निकालती हूँ और फिर आगे की रेसिपी आपको बताती हूँ। मैं बनाऊँगी मीठे दही बड़े, चलिए फिर बनाते हैं साथ में। ये मैंने गैस पे पानी चढ़ा दिया है। गैस की फ्लेम को मैं ऑन कर देती हूँ और इस पानी में मैं ये फ्राई करे हुए दही बड़ों को डाल दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। साथ ही साथ मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल दूँगी। थोड़ा सा और ले लेते हैं, डाल देते हैं। अब ये पानी में नमक जब ये घुल जाएगा तो फिर इसमें फ्राई करे हुए दही बड़ों को डाल दूंगी ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। चलिए फिर बनाते हैं। मेरा पानी अब गर्म हो गया है। इस पानी में मैं बड़ों को डाल दूंगी। अब ये बड़े अंदर पड़े रहेंगे और फिर जब ये पानी खूब अच्छे से खोल जाएगा फिर मैं गैस की फ्लेम को ऑफ करूँगी। दही को मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इस हैंड ब्लेंडर से इसको एक साइड से पूरा बारीक पेस्ट बना लूँगी। दही को मैंने बारीक फेंट लिया है और देखिए कितना ये फाइन पेस्ट मैंने बना लिया दही का। अब जब मीठे दही बड़े बना रहे हैं तो उसमें लगेगी हमको शुगर, जिसमें मैंने ये 250 ग्राम शुगर को ले लिया है। अब मैं इसका बारीक पेस्ट बना के इस दही में मिक्स करूँगी। चलिए पाउडर बनाते हैं फिर। मैंने इस शक्कर को बारीक पाउडर पीस लिया है। अब इसको मैं दही में ऐड करती हूँ। इस हिसाब से दही बड़े बनाएंगे मीठे तो बहुत टेस्टी बनते हैं। अब मैं इसको मिक्सी से इससे हैंड ग्राइंडर से वन साइड पूरा बारीक बारीक कर लूँगी। बारीक एकदम ये हमारी दही तैयार हो गई है। अब बड़ों को निकाल के आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारे बड़े एकदम ये अच्छे से इसमें खोल गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब थोड़ी देर इसी पानी में बड़ों को पड़े रहने देंगे ताकि खूब अच्छे से ये पानी को अब्सॉर्ब कर लें और सॉफ्ट हो जाएं। फिर इनको पानी से निकाल के निचोड़ के दही डाल के सर्व करेंगे। बहुत ईजी पक जाते हैं। इसकी ये बड़े बनेंगे कैसे, इसका मैंने फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है 3 दिन पहले। आप जाके उस वीडियो को देखें तो आगे का मेथड आपको उसमें पता चल जाएगा। चलिए अब इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देते हैं। देखिए फ्रेंड, अब हो गया है आधा घंटा और मेरे बड़ों ने पानी को कितना पी लिया है। और अब मैं इनको पानी से निकाल लूँगी। देखिए सॉफ्ट होके फूटने लगे हैं। पानी से निकाल के इस प्लेट में रख लेती हूँ और जब ये और थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं हाथ से दबा दबा के इनका पानी निकाल दूँगी। अभी ये गर्म है तो इस हाथ में लगाऊंगी तो जल जाऊंगी, इसलिए थोड़े और ठंडे हो जाए तो फिर मैं इनका पानी निकाल दूँगी हाथ से दबा दबा के। ये देखिए कितने ये सॉफ्ट हो गए, फ्लफी हो गए हैं। ये देखिए मैंने पानी से सारे दही बड़ों को निकाल लिया है। अब इनको थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी, फिर हाथ से निचोड़ निचोड़ के इनका पानी निकाल दूँगी। फिर आगे दही में डाल के आपको दिखाती हूँ। मैंने इन दही बड़ों को स्ट्रेनर पर रख दिया था। अब इसका ये हो गए ठंडे। अब मैं इसका पानी निकालती जाऊँगी और आपको बताती हूँ। और पानी निकालते जाएं आप और साथ
साथ इसको शेप भी देते जाएं, आपको जैसा इसको शेप देना है। ये देखिए इसका पानी निकल गया है, देखिए इस तरीके से आप इनका पानी निकाल दें। देखिए अब मैं सब दही बड़ों का पानी निकाल के और इसमें रख के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने सारे दही बड़ों का पानी निकाल दिया है और इनको ऐसे चपटा शेप दे दिया है। चलिए अब मैं आपको, और ये मेरी दही रखी है, अब मैं आपको एक प्लेट बना के दिखाती हूँ। इसमें मैं कुछ दही बड़े अपने ले लूँगी बड़ों को और आपको एक बना के प्लेट दिखाती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी चटनी डालूंगी। ये मेरे दही बड़े बन के रेडी हो चुके हैं। आप इस तरीके से दही बड़े बनाएं, खुद खाएं और अपनी फैमिली वालों को बनाकर खिलाएं। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में आकर मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।